सीरियल जिंदगी की महक में शौर और महक मिलकर अब नानी और स्वेतलाना को एक्सपोज करना चाहते हैं। सीरियल जिंदगी की महक में महक और शौर अब मिलकर स्वेतलाना और नानी का सच सबके सामने लाना चाहते हैं कि वो दोनों मिलकर करुणा को मारने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली इतने टाइम तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद दोनों ने ये रियलाइज कर लिया है कि उनकी फैमिली में से ही कोई है जो करुणा को मारना चाहता है और वो उसका ब्लेम महक पर लगा रहा है। शौर को स्वेतलाना का फेक नेल उसे हर्बल मिक्सचर में मिल जाता है और वो ये बात जानकर महक को बताता है और महक को भी स्वेतलाना की एविल प्लानिंग के बारे में सब पता चल गया है। महक और शौर अब दोनों मिल जाएंगे और वो दोनों मिलकर एक फेक ड्रामा करेंगे जिससे वो स्वेतलाना का सच बाहर ला सके। महक को पता चलेगा कि सिर्फ स्वेतलाना ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई और भी इन्वॉल्व है। महक शौर को बताती है कि नानी भी इसमें मिली हुई है, लेकिन शौर महक की बात मानने को तैयार नहीं होता। बाद में स्वेतलाना और नानी मिलकर महक और शौर को अनकॉन्शियस करने की कोशिश करते हैं जिससे वो आसानी से करुणा को मार सके। उन दोनों को लगता है कि महक बेहोश है और वो उसको ऊंचाई से धक्का देने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ शौर आ जाता है। शौर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि स्वेतलाना के साथ साथ उसकी नानी भी उसमें मिली हुई है और जल्द ही शौर को ये सच पता चलेगा कि उसकी नानी की वजह से ही महक के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। क्या ये सच जानकर महक और शौर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी? वेल, ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सीरियल जिंदगी की महक में शौर और महक मिलकर अब नानी और स्वेतलाना को एक्सपोज करना चाहते हैं। सीरियल जिंदगी की महक में महक और शौर अब मिलकर स्वेतलाना और नानी का सच सबके सामने लाना चाहते हैं कि वो दोनों मिलकर करुणा को मारने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली इतने टाइम तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद दोनों ने ये रियलाइज कर लिया है कि उनकी फैमिली में से ही कोई है जो करुणा को मारना चाहता है और वो उसका ब्लेम महक पर लगा रहा है। शौर को स्वेतलाना का फेक नेल उसे हर्बल मिक्सचर में मिल जाता है और वो ये बात जानकर महक को बताता है और महक को भी स्वेतलाना की एविल प्लानिंग के बारे में सब पता चल गया है। महक और शौर अब दोनों मिल जाएंगे और वो दोनों मिलकर एक फेक ड्रामा करेंगे जिससे वो स्वेतलाना का सच बाहर ला सके। महक को पता चलेगा कि सिर्फ स्वेतलाना ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई और भी इन्वॉल्व है। महक शौर को बताती है कि नानी भी इसमें मिली हुई है, लेकिन शौर महक की बात मानने को तैयार नहीं होता। बाद में स्वेतलाना और नानी मिलकर महक और शौर को अनकॉन्शियस करने की कोशिश करते हैं जिससे वो आसानी से करुणा को मार सके। उन दोनों को लगता है कि महक बेहोश है और वो उसको ऊंचाई से धक्का देने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ शौर आ जाता है। शौर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि स्वेतलाना के साथ साथ उसकी नानी भी उसमें मिली हुई है और जल्द ही शौर को ये सच पता चलेगा कि उसकी नानी की वजह से ही महक के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। क्या ये सच जानकर महक और शौर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी? वेल, ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज